जिन बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया जाना है और ट्वेल्थ में उनके बहुत अच्छे नंबर हैं और आयल्स में आपके 6 बैंड से ऊपर हैं, पीटी आपने किया है, टॉफल किया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब सेमिनार आ रहा है वेस्टर्न ओवरसीज का आपके शहर में। सेमिनार में कौन से बच्चे आए, क्या तैयारी आपको करनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया जाना किस तरीके से आसान है, मंजीत गिल जी से बातचीत करती हैं जो कंट्री मैनेजर हैं। मैम फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका। मैम ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बच्चे जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ही उनका सपना है। वेस्टर्न ओवरसीज अब सेमिनार लेकर आ रहा है, सेमिनार के बारे में बताएं ये कहाँ कहाँ होगा, कौन से शहरों में होगा। सर अगर मैं सेमिनार्स की बात करूं तो हमारे जो वेस्टर्न ओवरसीज बिगेस्ट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन फेयर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि 17 जून से स्टार्ट होके 30 जून तक चलेंगे, जिसमें हम पंजाब की मेजर सिटीज लाइक पटियाला, बठिंडा, जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, इसके अलावा हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रोहतक और इसके अलावा दिल्ली और इंदौर को हम कवर कर रहे हैं इन सिटीज में। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना वैसे तो किसी भी कंट्री के लिए इंटरेस्टेड है वो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बीट वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, अपना टूरिस्ट विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर अपना परमानेंट रेजिडेंस के लिए देख रहे हैं, या फिर वो वर्क परमिट के लिए प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेस्टर्न ओवरसीज की एक्सपर्ट की टीम अवेलेबल रहेगी। सेम अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वेस्टर्न ओवरसीज के पास है इमिग्रेशन लॉयर, तो यहाँ पे आपके पास चांस होएगा कि आप इमिग्रेशन लॉयर और उनकी एक्सपर्ट की टीम के साथ बैठ के अपनी जो प्रोफाइल है 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड देखो सर, अगर आपने अभी प्रीवियस हमारे इस मंथ में देखा होएगा तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं जी, तो इस टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते कि ऑस्ट्रेलिया बहुत लीनियंट है। सिंपल सी भाषा में वो जेन्युइन स्टूडेंट को चाह रहा है। पहले जीटी था जिसको रिप्लेस कर दिया गया है जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के साथ। लिविंग एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आ चुका है, इंक्रीज हो गए हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों की पॉकेट पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा इस चीज का। और इसके अलावा जो अल्टरनेटली इनकम थी, इनकम में भी कहीं ना कहीं बदलाव आके पहले से इनकम उन्होंने बढ़ा दी है। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया को लेके। सेम उन्होंने जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है 485 सब क्लास में अगर कोई अप्लाई करेगा तो जैसे उसके लिए एज का भी कंसर्न आ गया है, पहले 50 थी अब 35 कर दिया है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं आज की डेट में। अगर मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट की जो फाइल रिप्रेजेंटेशन है या एक अच्छा कंसल्टेंट ही स्टूडेंट को गाइड कर सकता है कि वो कैंडिडेट कौन सी यूनिवर्सिटी में फिट हो सकता है या फिर वो उसके लिए कौन सी वीजा कैटेगरी सबसे अच्छी रहेगी। तो ऑस्ट्रेलिया में ये मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे जो बच्चे हैं वो इन फेयर्स में विजिट करेंगे, ठीक है जी, एक्सपर्ट की टीम के साथ मिलकर अपने सारे डाउट क्लियर करके अपना एक राइट डिसीजन ले सकते हैं कि उनको कौन से वीजा के लिए या फिर कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करके बेनिफिट है जहां पे उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकले। अब वो लोग भी आ सकते हैं जिनको टूरिस्ट वीजा पे जाना है, बिजनेस वीजा पे जाना है, एग्रीकल्चर वीजा भी लेना है, ऐसी कैटेगरी में भी आ सकते हैं ना। डेफिनेटली सर, अगर मैं बात करूं वेस्टर्न ओवरसीज ऑथराइज है इंडिया लेवल पे भी कि हम वर्क परमिट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो रिक्रूट कर सकते हैं। इसके अलावा वी आर इमिग्रेशन लॉयर्स, तो डेफिनेटली हम टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा या फिर किसी का डिपेंडेंट वीजा पे अप्लाई करना चाहता है, यानी कि उसका पार्टनर ऑलरेडी कंट्री में पढ़ रहा है, जब वो वर्क परमिट पे है, जब वो पीआर पे है, या स्पेशली उन केसेस में जिसमें बच्चों में पास्ट में किसी कारण उनका रिफ्यूजल आया है, ठीक है, ठीक है, तो उनकी फाइल में किस तरीके की कमी रही है, तो ऐसे वाले एवरी जो केस है वो डिस्कस किए जा सकते हैं इन फेयर्स में, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने यूनिवर्सिटीज की भी यहाँ पर बात करेंगे, आपने बताया किस तरीके से ये फेयर है, लॉयर्स का आपने जिक्र किया, यूनिवर्सिटीज की तरफ से डेलीगेट्स भी आ रहे हैं, उनका क्या रोल होगा मैम? डेफिनेटली सर, देखो आज की डेट में जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा रिसर्च करते हैं कि मैं अगर उस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो बेसिकली मैं कौन सा कोर्स पढ़ूंगा, उस यूनिवर्सिटी जो है मुझे क्या क्या फैसिलिटीज देगी, या फिर उस कोर्स के क्या आउटकम रहेंगे, या मेरा फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, या मुझे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, या मेरे लिए कमिंग इनटेक बेस्ट कौन सा रहेगा। तो इस फेयर्स में यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट रिप्रेजेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो बेसिकली उनसे आप 1-to-1 सेशन करके अपने डाउट्स
क्लियर कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमिनार लग रहा है और सेमिनार की डेट भी मैम ने बताई है, आप आए, मौके का लाभ उठाएं और इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कोई रह ना जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन कंट्री है और उसके बाद पीआर का रास्ता भी आसान है। नमस्कार।